निशिकांत दुबे की राहुल पर कार्रवाई की मांग। निशिकांत दुबे ने लोकसभा में नोटिस दिया है, पीएम पर बिना सबूत के आरोप लगाया गया। निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं, आरोपों से जुड़े सबूत नहीं रखे गए, राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये निशिकांत दुबे की मांग है। सदन की अवमानना के तहत कार्रवाई की जाए, निशिकांत दुबे ये मांग कर रहे हैं। कल राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी और अडानी के संबंधों को लेकर दरअसल सदन में कहा था, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। निशिकांत दुबे ने तब सदन की कार्यवाही के दौरान भी अपनी बातों को रखा था, और अब इस मामले में निशिकांत दुबे ने नोटिस दिया है। हमारे साथ रविकांत जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रविकांत, निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं और इस पर किस तरह से स्टेप्स लिए जा सकते हैं सदन में? देखिए, कल राहुल गांधी ने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कई गंभीर और संगीन आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने नियमों में बदलाव करके जो 6 एयरपोर्ट हैं वो अदानी को सौंपे, उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए लगातार जो है नियम कानून बदले गए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक खत लिखा है, जिसमें वो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ लाने की बात कह रहे हैं। जब भी कोई सांसद संसद के पटल पर कोई भी बात अगर कहता है और उसको वो ऑथेंटिकेट नहीं करता है, यानी जो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं उसको साबित करने के लिए आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है, सबूत नहीं है, तो सदन के पटल पर आप भ्रामक बातें प्रधानमंत्री या किसी नेता के खिलाफ नहीं बोल सकते। इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि अगर आपने स्टेटमेंट दिया है तो आप हमें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दीजिए कि आपके पास सबूत क्या है, और उस सबूत को सदन के पटल पर रखा जाए। अगर राहुल गांधी सदन के पटल पर अपने स्टेटमेंट के फेवर में कोई सबूत नहीं रखते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इसी बात को लेकर उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखा है। और इस खत में ये डिमांड किया गया है कि राहुल गांधी से ये कहा जाए कि वो अपनी बातों को ऑथेंटिकेट करने के लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है वो सदन के पटल पर रखें। ठीक है रविकांत, आप नजर बनाए रखिए इस मामले में और क्या अपडेट होता है, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।